हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ध्यान से ध्यान रखना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पता रहना चाहिए कि कंट्रोल क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल हमें पता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमें पता है कि मतलब हमारे जो दिन में डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इसलिए कंट्रोल का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया गया। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीवित प्राणी है वो रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? कि जितने भी चेंजेस होते हैं, किस में चेंजेस होते हैं? एनवायरमेंट में। मतलब पूरे दिन में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उनको रेस्पॉन्ड करना मतलब उनको सहन करना और रिएक्शन देना, मतलब वापस उसके प्रति जो रिएक्शन देना वो सब क्या है? वो है सब है कंट्रोल। अब बात आई कोऑर्डिनेशन की। देखो, द चेंजेस इट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। मतलब जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो मेन टर्म है वो क्या है? वो है स्टिमुली। हमें पता लेना चाहिए स्टिमुली क्या है। द चेंजेस इट टू विच आर ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली में क्या क्या आता है वो ध्यान रखना। पहला है लाइट। हमारी आंखें हैं, हम देखते हैं, हमारी आई है, एक सेंसरी ऑर्गन है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो सेंसरी ऑर्गन है, तो इसको हम मान लो कोई लाइट आ रही है हमारी आंखों में, पड़ रही है हमारी रेटिना और कॉर्निया पे, जो इमेज बना रही है, हम देख रहे हैं। तो लाइट के प्रति जो हम रिएक्शन देते हैं, मान लो एकदम से लाइट आई तो हमारी एकदम से आंखें बंद हो जाती है, बल्कि हमेशा नीचे हो जाती है, वो क्या है? लाइट के प्रति हमारा क्या है? कंट्रोल है। हीट, मान लो कोई गर्मी है या कोई हमारी चाय की गिलास है, चाय का कप है, वो गर्म है, अगर हम उसको ऐसे ना पकड़ के पूरे गिलास को आस पकड़े, तो गर्म को हम हाथों से एकदम से हाथ अलग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्ड है वो क्या है? हीट को सहन करना। और हमारा रिएक्शन क्या है? कि मतलब हीट ज्यादा हो तो हम सहन नहीं कर पाते, इसलिए हम अपना हाथ आसानी से पीछे कर देते हैं। तीसरा है साउंड, जो हम सुनते हैं, ये भी हमारे क्या है? सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है। जैसे हीट क्या है? हीट किसका है? स्किन का। लाइट किसका है? आई का। साउंड किसका है? ईयर मतलब कान का। टेस्ट किसका है? जीभ का। टच किसका है? ये स्किन का है। और पेन, ये भी स्किन का है। मान लो कोई इंजेक्शन या सुई प्रिक करें हम, तो हमें पेन होगा। पेन होगा तो हमारा जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो काम कर रहा है हमारी बॉडी में, वो क्या करेगा? पहले रेस्पॉन्ड देगा माइंड को, माइंड को रेस्पॉन्ड देने के बाद हमारे वापस जो रिएक्ट करेगा हमारे हाथ को, हमारे दिमाग को, जो भी कुछ करना है, जो भी मैसेजेस पहुंचाते हैं, वो हम पहुंचाते हैं, वो सब क्या है? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इन प्लांट्स, अब हमें पता है कि कंट्रोल होता है वो दोनों में होता है, और दोनों बायो में होता है। अब बायो हमारे दो होते हैं, हम भी पता है कि बायो दो होते हैं, एक होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स, और दोनों में लगभग एक्टिविटीज और मूवमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, हमें पता है। तो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल इन प्लांट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट्स में। तो क्या है? द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि मनुष्य में, एनिमल में होता है वो नर्वस सिस्टम होता है, जो सारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। बट प्लांट्स में क्या है? They do not have nervous system. मतलब उनके पास कोई भी nervous system नहीं होता, कोई भी neuron cell नहीं होती, and any sensory organs, किसी प्रकार के sensory organ नहीं होते, जैसे nose है, eye है, ear है, tongue है, कुछ भी नहीं होता। फिर वो control कैसे कर पाते हैं अपने movements को, अपनी activities को? तो क्या है? Hormones. Plants में क्या होते हैं? जो भी control और coordination का काम है, वो सारे जो केमिकल सब्सटेंस करते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो, जो भी मतलब जो हार्मफुल नहीं होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं, जिसके हमारे बेनिफिट होते हैं, एडवांटेज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। वो कंट्रोल के होते हैं।
अब प्लांट्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स है हम पढ़ेंगे। पहला है ऑक्सिन। प्लांट्स में 5 हार्मोन्स होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। 5 हार्मोन्स होते हैं जो मोस्टली पूरे प्लांट्स को जो हम लगाते हैं वहां से लेके जो हम सीड जो बोते हैं वहां से लेके जो पूरा प्लांट बनता है फ्लावर बनता है फ्रूट बनता है वहां तक जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं वो 5 ही हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है एब्सिसिक एसिड, चौथा होता है जिब्रेलिन और पांचवा होता है इथाइलिन। ये 5 हार्मोन होते हैं, 5 हार्मोन याद रखना। अब पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड, चौथा जिब्रेलिन और पांचवा इथाइलिन। इनको याद रखने के लिए एक टर्म होती है एक केज। ए पे हो गया हमारा ऑक्सिन, सी पे हो गया साइटोकाइनिन, ए पे वापस एब्सिसिक एसिड हो गया, जी पे जिब्रेलिन हो गया और ई पे इथाइलिन हो गया। ये याद रखना आप एक केज। एक केज मतलब एक केज, केज मतलब पिंजरा। और पिंजरे में मान लो कोई घरों में लगाते हैं प्लांट लगाते हैं तो उस टर्म से आप याद रख लें। तो 5 हार्मोन आपको पता चल गया ये। अब हम पढ़ेंगे एक एक हार्मोन के बारे में। पहला हार्मोन क्या था हमारे दोस्तों? पहला हार्मोन था ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या क्या काम करता है प्लांट्स में कंट्रोल करने के लिए? तो पहला है सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट क्या होता है? सेल इनलार्जमेंट होता है जो हमारी सेल होती है, जो सेल है मान लो छोटी सी, सबसे पहले सेल होती है उसके बाद टिश्यू होता है हमें पता है। तो छोटी सी सेल है, वो एक सेल है, उसकी क्या करता है ये ग्रोथ करता है। सेल डिवीजन नहीं करता है, मतलब एक सेल से 2 सेल नहीं बनाता है, बट उस सेल भी क्या है ग्रोथ करता है, उसको बड़ा करता है। दूसरा है सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में ज्यादातर ये सेल डिवीजन नहीं करता है, सेल डिवीजन में ये ओनली भाग ही लेता है थोड़ा सा। तीसरा है फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट होता है हमारा जो फल होता है उसकी ग्रोथ करता है, उसकी वृद्धि करता है। कंट्रोल प्लांट्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। जो हमारा प्लांट होता है उसको लाइट और ग्रेविटी के रूप में कंट्रोल करता है। कैसे करता है? मान लो हमारा जो प्लांट है यहां पे क्या है, लाइट है, ये इसकी रूट्स है, यहां पे क्या है ग्रेविटी है। तो पूरे प्लांट को लाइट की तरफ और उसकी रूट्स को ग्रेविटी के रूप में जो करता है वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। ये चालू इसका इक्वालिटी याद रखना। सेल इनलार्जमेंट का काम यही करता है, सेल डिवीजन में ओनली भाग लेता है, फ्रूट की ग्रोथ करता है और कंट्रोल प्लांट को लाइट और ग्रेविटी पे कंट्रोल करवाता है। दूसरा हमारा है साइटोकाइनिन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन होता है, ध्यान में रखना। ये क्या करता है? सेल डिवीजन। जो एक सेल होती है उसके 2 सेल बनाता है सेल डिवीजन करके, और 2 डॉटर सेल बन गई। एक सेल से 2 सेल बनाना और 2 से 4 बनाना, फिर सेलों का ग्रुप बना के, सेल्स का ग्रुप क्या होगा वो टिश्यू होगा, टिश्यू बनाना, टिश्यू से ऑर्गन, मतलब पूरे प्लांट्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन होता है शुरू से वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। दूसरा है ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। ब्रेकिंग द डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी होता है जो हम बीज बोते हैं, मान लो हमने कोई बीज बोया, ये हमारी सरफेस हो गई, हमने कटा को थोड़ा सा क्या करा, बीज बोया, बीज बोया। अब बीज है तो उसका अंकुरण चाहिए, रीजनरेशन चाहिए। तो रीजनरेशन के लिए बीज में हमें पता है कितनी जो हार्ड लेयर होती है उसको, जो वो क्या होती है उसकी डोरमेसी होती है। तो उस डोरमेसी को जो तोड़ने का काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। तीसरा है ओपन स्टोमेटा। जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो CO2 और O2 का जो इनहेलेशन और एक्सक्रिएशन होता है उसके लिए हमेशा जरूरी होता है स्टोमेटा। जो हमारे रंध्र होते हैं तो उनका जो खुलना जरूरी है, तो वो कौन सा हार्मोन खोलता है? साइटोकाइनिन। उसके बाद तीसरा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है साइटोकाइनिन की तरह। ये क्या करता है? ओपन द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। जो सीड्स की डोरमेंसी ब्रेकडाउन कौन करता है? वो साइटोकाइनिन। तो उसकी जो ब्रेकडाउन ज्यादा ना हो, मतलब ज्यादा हो गया तो सीड तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो प्लांट बनेगा नहीं। तो उसकी जो डोरमेंसी को रोकता है, जो ब्रेकिंग को रोकता है वो कौन सा हार्मोन है?
एब्सिसिक एसिड, दूसरा क्लोज द स्टोमेटा। साइटोकाइनिन क्या करता है, ओपन करता है स्टोमेटा को और वापस क्लोज कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। प्रमोट्स द फॉलिंग लीव्स, जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें जो प्लांट्स की जो पत्तियां गिरती है, अब प्लांट्स की पत्तियां क्यों गिरती है आपको पता है कि जो एनिमल्स में होते हैं वो तो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा आउट कर देते हैं, हमारा जो हम जो खुद हैं वो अपशिष्ट, हमारा अपशिष्ट क्या करते हैं उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो अपशिष्ट बनते हैं, जो भी वेस्ट केमिकल्स या जो भी एलिमेंट्स पदार्थ बनते हैं उनको नष्ट करने के लिए वो सारे क्या करते हैं, पतझड़ करते हैं, और पतझड़ के लिए जो पत्तियों का गिरना जो किस पे डिपेंड होता है, एब्सिसिक एसिड। चौथा है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन, ये ध्यान रखना जिब्रेलिन अब क्या क्या काम करता है, सेल डिवीजन परचेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों मिलकर सेल डिवीजन का काम करते हैं, ऑक्सिन ओनली अकेला सेल डिवीजन का काम नहीं करता, ये सेल इंजाजमेंट का काम करता है, फ्रूट ग्रोथ ये भी क्या है फल की जो बढ़ती है वो उसको करता है। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इथाइलिन, इथाइलिन में इतना ही याद रखना कि जो भी हम हमें पता है, पहला देखो स्टिमुलेटिंग फ्रूट रिपेनिंग, फ्रूट रिपेनिंग क्या होता है हमें पता है, हम जो भी घरों में फ्रूट लाते हैं चाहे सेब हो चाहे केला हो अंगूर हो कोई भी किसी भी प्रकार का फल हो, तो वो जो भी फल है उसमें हमने देखा होगा एक चीज नोटिस की होगी कि सारे फलों में क्या है अलग अलग स्मेल आती है, वो जो अलग अलग स्मेल आती है ना वो होती है इथाइलिन हार्मोन के कारण, जो हम स्मेल से पहचानते हैं ना फलों को वो इसी वजह से पहचानते हैं जिसमें इथाइलिन हार्मोन सहायक होता है, इस पर डिपेंड होती है कि किस फल की किस प्रकार की जो स्मेल आती है वो इसकी वजह से आती है। रूट एक्सटेंशन, रूट जो जड़ों का नीचे जाना और कितनी गहराई तक जाना वो भी किस पे डिपेंड करता है, इथाइलिन पे डिपेंड करता है। हमने प्लांट्स में कंट्रोल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है। प्लांट्स में हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स में जो भी कंट्रोल करते हैं वो हार्मोन करते हैं, फाइव हार्मोन उससे वो आपको पढ़ा दिया एक एज वाला। अब है कंट्रोल इन एनिमल्स में, हमें पता है कि एनिमल्स में कंट्रोल हार्मोन्स से नहीं होता, हार्मोन्स कंट्रोल नहीं करते, हार्मोन्स हमारी एक्टिविटीज को डिफेंड करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, मान लो क्या करना है उसमें उसमें सिर्फ लाभदायक हो सकते हैं बट पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरा कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर जो न्यूरॉन सेल होती है, जो सारी न्यूरॉन सेल मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाती है वो करती है। तो क्या है द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट क्या होती है वो होती है न्यूरॉन। हमने 6th-7th से ही पढ़ा है कि न्यूरॉन सेल कैसी होती है, न्यूरॉन सेल हमने पढ़ी है कि यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, ये डेंड्राइट्स होती है, ये एक्सॉन होते हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, हम पढ़ते आए हैं। तो न्यूरॉन सेल होती है जिसको कौन सा नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी न्यूरॉन जो सेल्स होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम में दो टाइप की होती है, दो टाइप की कौन कौन सी होती है, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन। ये दो टाइप की क्या होती है न्यूरॉन सेल होती है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है ये हमें पता रहना चाहिए, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इंटर द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, जो भी मैसेज होता है वो किस में इंटर करता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन होती है न्यूरॉन लीव द स्पाइनल कॉर्ड, जो मैसेजेस जो न्यूरॉन सेल जो स्पाइनल कॉर्ड में गई है वो वहां से स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के हमारे जो माइंड तक ब्रेन तक जाती है वो कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एक कनेक्टिव पॉइंट होता है, जैसे प्लस प्लस माइनस होते हैं उसी प्रकार से ये पॉइंट है, क्या है, कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, जहां पे जिस जगह पे जो न्यूरॉन सेल दोनों न्यूरॉन सेल कनेक्ट होती है सेंसरी और मोटर, वो दोनों का जो कनेक्टिव पॉइंट है वो क्या होता है, इंटर न्यूरॉन।
जो न्यूरॉन सेल होती है हमारी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो मेन पार्ट होता है न्यूरॉन सेल, हमारे जो भी मैसेजेस होती है, जो भी पूरी बॉडी के जो मैसेजेस होते हैं, जो भी हम सेंस करते हैं, सारे सेंसरी ऑर्गन्स के जो मैसेजेस होते हैं, वो सारे किसमें ले जाते हैं, ब्रेन में ले जाते हैं। अब ब्रेन अलग अलग रेस्पॉन्स करता है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, हमें पता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है। ब्रेन आपने पढ़ा होगा, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? नॉर्मली सभी जानते हैं मस्तिष्क एक जो कठोर हमारी खोपड़ी होती है, जिसे हम स्केलेटल में हम बोलते हैं, हेड स्केलेटल, उसमें अंदर जो सॉफ्ट सा जो ऑर्गन होता है, कोमल सा, वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। बट उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके हर पार्ट्स के अलग अलग क्या क्या काम होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो मस्तिष्क के तीन मेन पार्ट होते हैं, होल ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। होल ब्रेन जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, होल ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका क्या क्या काम होता है? मेन थिंकिंग पार्ट, जो सोचने की क्षमता होती है हमें, उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है होल ब्रेन। हमें क्या, हम क्या सोचते हैं, हम अकेले बैठे क्या सोचते हैं, या ये क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, आगे का फ्यूचर का हमने क्या कर दिया, वो भी जो भी सोचने की जो क्षमता है वो किसमें होती है, होल ब्रेन में। मेन थिंकिंग पार्ट क्या है, होल ब्रेन। लर्निंग, हम क्या सीखते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सीखा है, क्या सीखा है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्या सीख रहे हो, तो वो जो क्षमता है वो किसकी है, होल ब्रेन की। इंटेलिजेंस, किसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। कोई बोलते हैं कि इसका दिमाग खाली है, मतलब दिमाग खाली नहीं होता है, मतलब कि जो होल ब्रेन है वो उसका एक्टिव नहीं है, वो सीख रहा नहीं है, वो अगर सीख रहा है तो भी बेसिक सीख रहा है, वो इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकता, वो ओनली पास हो सकता है। उसका क्या है, सेरिब्रम है जो होल ब्रेन है वो का काम नहीं करता है। एंड मेमोरी थॉट्स, जो याद रखने की जो हमारी मेमोरी क्षमता होती है, हमारी मेमोरी क्षमता ये तो होती नहीं कि मतलब 16 GB 32 GB, वो तो अनलिमिटेड होती है। बट वो अनलिमिटेड किसकी होती है, जिसका होल ब्रेन एक्टिव हो, जिसका होल ब्रेन एकदम चालू हो। सेंसेशन, जो हमारे सेंस करने की क्षमता है, एक्शंस, मूवमेंट्स, आई कंट्रोल, ये जो सारे काम होते हैं सेंसेशन के, एक्शंस के। अब सेंस क्या, किसी ने हमें चांटा मारा, किसी ने हमें थप्पड़ मारी, तो हमने क्या किया, सेंस किया। अब उसके जस्ट थ्रू एक्शन क्या करना है, हमें वापस उसको मारनी है या वापस उसको समझाना है, कुछ भी करना है, वो होल ब्रेन पे डिपेंड करेगा। दूसरा है मिड ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है उसके जो बीच का पार्ट होता है वो क्या रहता है, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब, रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूं, गर्दन हिला रहा हूं, ये सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गए। तो हेड हुआ, नेक हुई, हमारा हेड हुआ, हमारी गर्दन हुई, उसको कंट्रोल करना कि कितनी झुकनी चाहिए, अभी किस मूवमेंट में कितनी झुकनी चाहिए, किस मूवमेंट में किस साइड हमारा हेड घूमना चाहिए, वो किससे कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन से। तीसरा है हमारा हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो सेरिब्रम, वो सेरिब्रम नहीं है, ये होल ब्रेन वाला सेरिब्रम नहीं, ये सेरिब्रम अलग होता है, ये इसका पार्ट भी होता है। तो सेरिब्रम, पॉन्स और मेडुला, तीन पार्ट होते हैं, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो पॉन्स के क्या क्या काम होते हैं, पॉन्स, अब क्वेश्चन आ जाएगी पॉन्स क्या है, पॉन्स क्या है, हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है हिंड ब्रेन, तीसरा पार्ट है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है पॉन्स, जो क्या करता है, कंट्रोल रेस्पायरेशन, जो हमारी बॉडी में जो रेस्पायरेशन सिस्टम होता है, CO2 को अंदर लेना, O2 को बाहर छोड़ना, लंग्स, डायाफ्राम, जो भी सारी एक्टिविटीज उसमें होती है रेस्पायरेशन सिस्टम में, उसको कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स करता है। रेस्पायरेशन को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स। और पॉन्स क्या है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट है। हिंड ब्रेन क्या है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन क्या है, हमारी पूरी बॉडी का पार्ट है, हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। दूसरा है सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या काम है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करना। ये तो नहीं होता ना कभी कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं, मान लो कोई पेशेंट है वो चलता चलता गिर जाता है, मतलब उसका जो हिंड ब्रेन है, मतलब हिंड ब्रेन
उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो सोया नहीं है, वो किंग डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं जिस जो हमारे जिस टाइप का सॉन्ग बजता है उसके अकॉर्डिंग हम डांस करते हैं, और कोई कोई ऐसे ही नाचने लग जाते हैं। तो मतलब जिसका जो हिम ब्रेन अच्छे से काम करता है उसका डांस अच्छा होता है। हम कहते हैं यार ये तो कलाकार है, रियल में अच्छा डांस करता है। वो कलाकार क्या होता है, उसका जो हिम ब्रेन है वो ठीक से काम करता है। तीसरा जो मेडुला पार्ट है वो क्या करता है, बीपी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड रनिंग कर रहा है, उसके जो प्रेशर कितना होना चाहिए उसको मेडुला कंट्रोल करता है। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव डाइल्यूशन यहीं से बनते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का भी काम करता है। रेस्पिरेशन में जो हम सांस लेते हैं उसमें कितनी ब्रीथिंग होनी चाहिए, रेस्पिरेशन तो पूरा सिस्टम हो गया सांस लेने का, CO2 लेने का, O2 छोड़ने का, बट जो ब्रीथिंग क्या है, वन ब्रीथ, और हमारी जो हार्ट रेट है वो कितनी होनी चाहिए वो क्या है, मेडुला पे कंट्रोल होता है।